The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar adarsh akal friends, I am Dr. Paramjeet. You are watching Doctor Education. Once again, welcome, friends. Today we will talk blood. काउंट्स की हिमोग्राम कंप्लीट ब्लड काउंट्स क्या है किस तरह काम आता है और इस समय कोविड 19 या किसी भी वायरल इन्फेक्शन पर्टिकुलर वायरल इंफेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में जानने चाहिए तो कंप्लीट ब्लड काउंट्स आपके ब्लड के अंदर कंप्लीट पिक्चर दिखाता है मतलब ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स उनका क्या स्टेटस है हीमोग्लोबिन कितना है आपको खून की कमी तो नहीं है एनीमिया तो नहीं है उसमें डब्ल्यू यानी ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो आपके ब्लड के वो सेल हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और ये सेल अगर कम हो गए तो प्रॉब्लम यानी इन्फेक्शन अब इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति खत्म हो रही है और अगर बहुत ज़्यादा हो गए मतलब इन्फेक्शन इतना है कि ये सेल्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं है, पर इन्फेक्शन खत्म नहीं हो पा रहा सो दैट्स हाउ थिंग्स आर देयर बहुत ज़्यादा होना बहुत कम होना डब्ल्यू बी सी लिम्फोसाइट्स इज ऑल्सो इज डेंजरस ये हमें बताता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन uh, है ना इसमें भी कई सारे डिफरेंट uh, टाइप के डब्लू बी सीज हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं डिफरेंशियल्स हैं मेजरली वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स ये दो मेन मान के चलिए न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स मोटा मोटा ये मान के चला जाता है ज़्यादातर केस में देखो तो पत्थर की लिखी लकीर नहीं है वायरल इन्फेक्शन्स में या बैक्टेरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं बैक्टेरियल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स काउंट ज़्यादा हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन्स में न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा हो सकते हैं मगर ये पत्थर की लिखी लकीर लकी नहीं है इसलिए क्योंकि कुछ वायरस कई वायरस ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते जो उल्टा करते हैं जिनको भाई साहब जिनका कोई दीन अमान नहीं है जैसे कि ये है कोविड नाइन्टीन कोविड 19 में लिम्फोपिनिया यानी लिम्फोसाइट काउंट अगर कम हो जाते हैं न्यूट्रोफिल का जो दूसरा भाई है लिम्फोसाइट काउंट अगर कम हो जाते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक माना जाता है लिम्फोपिनिया इज अज अज प्रिडिक्टिव फैक्टर फॉर सीरियस डिजीज सो ये मान के चलिए अब बात आती है कि न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स यूसोनोफिल्स बेसोफिल्स ये सारे जो होते हैं ये हो गए आपके डब्ल्यू के टाइप्स आपके मान के चलिए कि आपके पुलिस वालों के टाइप्स हैं ये yeah. <coughs> कोई हवलदार है कोई ये है कोई वो है कोई वो है कोई वो है समथिंग लाइक like ऐसा मान लीजिए तो देट्स दो योर प्रोटेक्टिव सेल्स सो इससे हमें आइडिया मिलता है कि इम्यून सिस्टम का क्या हाल हो रहा है कोई ब्लड कैंसर वैंसर तो नहीं हो रहा कैंसर होगा तो इनमें से कोई ना कोई सेल पच्चीस पच्चीस हजार हजार सौ सौ गुना बढ़ जाएगा इतना सारे कहाँ से बढ़ रहे हैं फिर आएगा दिमाग में अरे यार ये क्या हो रहा है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है वो खून गाढ़ा हो जाने से पानी कम पीने से भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत हीमोडाइल्यूशन से भी कम हो जाता है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम यू हैव टू स्टडी अ केस अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों होगा ये है तो ऐसा क्यों होगा सो so ऑलवेज uh, एक डॉक्टर को एक डिटेक्टिव बनना पड़ता है तो पहला हो गया डब्ल्यू बी सी में पंगा कोविड uh, में भी आता है और कोविड के टाइम पर लाइक आई सेड ल्यूकोपिनिया इज अ बैड प्रिडिक्टिव फैक्टर तो वो आपको ध्यान रखना है ल्यूकोपिनिया के बारे में और वो बाकी चीज़ें आपके डॉक्टर देखेंगे आ, लो लिम्फोसाइट्स मतलब पेशेंट थोड़ा सीरियस हो सकता है ये ये इतना सिर्फ याद रख लीजिए एंड ये स्टडीज़ में भी देखा गया सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स है रेड ब्लड सेल्स आर बी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन आपका आयरन से बनता है तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा आरबीसी ही कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कमी होगा और आपका एनीमिया हो जाएगा यानी कि उतना ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा जितना उस पर पूरे शरीर को जाना चाहिए और दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द बॉडी सो डब्लू के बाद आता है आरबीसी रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है तीसरा आता है आपका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं पीसीवी पैक्ड पैक्ट सेल वॉल्यूम यानी हिमाटोक्रेट उसका मतलब ये होता है आ, कि आपके पूरे ब्लड में आर कितनी जगह ले रहे हैं ये बताता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम कितना है मतलब आप पानी सही से पीते हो ब्लड हीमो कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है ही बहुत ज्यादा आरबीसी का नंबर तो नहीं है आर का नंबर ज़्यादा तो नहीं हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इसको देखना पड़ता है इट मींस

कंप्लीट ब्लड काउंट को एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है एक डॉक्टर के द्वारा राइट दैट इज सो देसी के indices भी है. RBC's के indices में कई बार उच, उ, 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 पर नीचे देखने को मिलता है और सारे पेशेंट पूछते हैं सर ये क्या है नहीं सर ये क्या है बाकी ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं टेंशन मत लो क्यों आरबीसी मतलब या तो हम बात कर रहे हैं मीन कॉर्पोस्कुलर वॉल्यूम यानी कि एक एक आरबीसी के अंदर कितना पानी है राइट right. अगर आरबीसी ज्यादा हो रहे हैं मतलब कई बार हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखने लग जाती है अगर आपके ब्लड के अंदर नमक जो है वो कम है तो आपका जो पानी है वो सेल्स के अंदर घुस जाएगा तो आरबीसी फूलने लग जाएंगे दैट कैन बी वन रीजन देन अगर दूसरा आता है एम सी एच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली ये बताएगा एक एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है उससे आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन वो भी आए एक बहुत सारी एम सी एच एम सी एच सी और एम सी वी ये देखा जाता है ये सबसे मेजर से कुछ आइडिया मिलता है कि बीमारी कहाँ होगी अगर आरबीसी और हीमोग्लोबिन और एनीमिया वाली बीमारी है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोस करने में ये मदद करते हैं अगर एनीमिया ही नहीं है तो नो टेंशन है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं फिर आता प्लेटलेट प्लेटलेट भाई साहब जो है थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इनको ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं छोटे बच्चे होते हैं लेकिन बहुत जोरदार होते हैं ये होते हैं टिचिक पट्टी ये सीधा जाके चिपक जाते हैं जहां भी आपको लगता है ब्लड में क्लॉट होना है तो ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट जाके चिपक जाते हैं स्वेल करते हैं कलम्प हो जाते हैं एक दूसरे से और स्टिकी प्लग बनाते हैं ब्लीडिंग रोक देते हैं इस स्टिकी प्लग में कुछ और चीजें जुड़ सकती है फाइब्रीन फुबरीन क्लॉट बन जाता है बढ़िया सा वहां पर रुक जाता है तो उसको वो हाँ, हार्ड हाँ हो जाता है स्लोली स्लोली और एक आर्थ आर, वहां पर प्लाक बना देता है वो प्लाक का काम है ब्लीडिंग रोक देना ऐसे प्लाक पे प्लाक पे प्लाक पे प्लाक होके खून की नस भी बंद हो सकती है वो बीमारी हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज्यादा प्लाक होना सो so, ये ज़रूरी चीज़ में प्रॉब्लम कर सकते हैं दैट्स हाउ आपको हार्ट अटैक होते हैं तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होना मतलब क्लॉटिंग ज़्यादा हो सकती है बहुत ही कम होना मतलब ब्लीडिंग हो सकती है क्लॉटिंग होगी नहीं फिर रुकेगा ही नहीं खून रुकेगा ही नहीं क्या करो है नहीं दैट्स अ डेंजरस थिंग सो डेंगू जैसी बीमारी में थ्रोमोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाना डेंजरस हो जाता है इसलिए फिर कई बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है सो हीमोग्लोबिन ये सी बी सी में ये भी पता चलता है फिर क्या पता चलता मीन प्लेटलेट वॉल्यूम मीन प्लेटलेट वॉल्यूम मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट जो आपके आ, अंदर आपके खून में है वो भी वो बता सकते हैं कुछ प्रकार की बीमारियां वो बता सकते हैं सो तो आपके डॉक्टर को फिर ये देखना होता है ये सारा सीबीसी का पूरा पिक्चर प्लस कभी कभी क्या होता है ब्लड का स्मियर पेरिफेरल स्मियर भी देख सकते हैं उसमें एक ड्रॉप ब्लड डाल के ऐसा देखा जाता है उसके अंदर झाँक के कि किस प्रकार के सेल है साइज शेप कैसा है ऐसा तो नहीं कि कोई मेच्योर है कोई प्री मेच्योर है कोई बहुत मेच्योर है और बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं मतलब कोई ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा फट 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 आपका आपका सेल्स जो है जल्दी जल्दी बच्चे बनाने बनाने शुरू कर देगा और कभी कभी कैंसर हो तो बहुत सारे सेल इकट्ठा होने लग जाएंगे ल्यूक्यूमिया मलेरिया होगा तो मलेरिया का पैरासाइट दिख जाएगा उधर ही और सिकल सेल एनीमिया होगा तो आरबीसी बी जैसे जान जैसे दिखने लग जाएंगे सो तो बहुत सारी बीमारियां पेरीफरल मीयर को देखते ही पता चल सकती है सो लाइक दिस हमें बीमारियां पता चल सकती हैं सो सी आर बी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सीबीसी को गलती से हल्के में ना लें और जहां तक बात है कोविड uh, नाइन्टीन की सो कोविड नाइन्टीन के केसेस में जयका साइड बहुत सारे केसेस हैं जिनमें uh, काफ़ी सारे वेरिएशन देखे गए हैं अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स अगर कम हो जाते हैं तो वो एक अच्छा पैरामीटर नहीं है और अगर uh, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी हमें रूल आउट करना पड़ेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण है जो कि कोरोना में डेथ का रीज़न भी है कई बार ये हो जा रहे हैं तो याद रखिए सेकेंडरी इन्फेक्शन को आपको रूल आउट करना है ये डॉक्टर को करना है आपके काम नहीं है डॉक्टर का काम है तो कोविड नाइन्टीन के केसेज में या किसी भी प्रकार की सीरियस बीमारी में सी का बहुत बड़ा रोल है और उससे भी बड़ा रोल है सी बी मॉनिटर करने का चलो ठीक है कुछ गड़बड़ी आए प्लेटलेट कम है या फिर हीमोग्लोबिन कम है या फिर मान लीजिए लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा है डब्ल्यू बहुत ज़्यादा टी बहुत ज़्यादा टोटल ल्यूकोसाइट कम बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके लिए कुछ किया जाता है उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है एंटीबायोटिक दिए जाते हैं दवाई दी जाती है सपोर्टिव केयर किया जाता है पानी दिया जाता है लिक्विड दिया जाता है फ्लूइड दिया जाता है वट किया जाता है उसके साथ देखा जाता है अगले दिन या एक दिन बाद या दो दिन बाद कि क्या हुआ कम हुआ कि नहीं हुआ अगर कम नहीं हो रहा दैट मीन्स योर ट्रीटमेंट इज़ नॉट वर्किंग चेंज द ट्रीटमेंट राइट एंड देन अगेन चेक सो इसको रिपीटेडली करना पड़ता है तो सी बी सी इज़ अ वो द मोस्ट कॉमन टेस्ट डन इन द वर्ल्ड So, उसको कराने में झिझकना नहीं है सस्ता सुलभ टिकआउट टेस्ट है जरूर कराइए और अपना आ, पता लगाइए इसके साथ में ई का टेस्ट होता है एच एस होता है उसके ऊपर अलग से हमने पहले बात कर चुके हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर चैनल पर देख लेना ओके थैंक यू सो मच एम डॉक्टर परमजीत यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हूँ